हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेटाफोर्स के अंदर अगर 6 स्लॉट बाई करके अपने डाउनलाइन से भी 6 बंदों से 6 स्लॉट बाई कराते हो तो आपको इनकम कितनी जनरेट होती है और किस प्रकार से ये स्लॉट बाई होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो वीडियो है आपको एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपनी रिसर्च और अपनी एनालाइज के अनुसार करें। चैनल आपका किसी भी प्रकार के लॉस या प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। फ्रेंड्स, मेटाफोर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि अभी लेटेस्ट ही स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर जो आप मैक्सिमम इनकम कर सकते हो वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपने डायरेक्ट फर्स्ट डे से ही 6 स्लॉट बाई करते हो और अपने डाउनलाइन के अंदर आपने 6 बंदों को रेफर किया और उनसे भी 6 स्लॉट बाई करवाए तो आपको किस प्रकार से इनकम मिलती है और कितनी इनकम टोटल आपको आती है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, बोर्ड के ऊपर एक बार आप ध्यान दें, यहां पर आपने सेल्फ बाई किए हैं 6 स्लॉट, 5 डाई का, 10 का, 20 का, 40 का, 80 का, 160 का। अगर हम इनको टोटल करते हैं सभी को तो ये 315 डाई हो जाते हैं। डाई का है, ये एक मैटिक कॉइन के ऊपर एक स्टेबल कॉइन है डाई, जो कि पॉलीगोन की ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है। जैसे आपका यूएसडीटी है, बीयूएसडी है, सेम उसी प्रकार से ये रहता है। तो हम जब भी बाई ये डाई की बात करते हैं तो आप इसको डॉलर के अंदर ही इक्वल काउंट करें। तो यहाँ पर आपके 315 डॉलर की आप समझें, आपका 315 डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और मैटिक कॉइन जो कि आपका गैस फीस के अंदर यूज होगा तो वो कम से कम आपका 5 डॉलर की वैल्यू का मैटिक कॉइन होना चाहिए। तो ये जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है ये 320 डॉलर का यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है जो कि आपने ये 160 तक स्लॉट बाई किए और इतना ही 320 के आप अपने डायरेक्ट के अंदर बाई कराते हो। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है टोटल डायरेक्ट आपके 6 और डायरेक्ट स्लॉट बाई करवाए आपने 6 बंदों से 6-6 स्लॉट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप अपने स्लॉट बाई कर लेते हो और अपने आईडी को ओपन करते हो तो आपको ये चार्ट है इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको दो टाइप के आपके ट्री दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर आपके ये 6 राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वाला है आपका स्लॉट नॉन वर्किंग का, यहाँ पर आप काम नहीं करोगे तो भी आपको इनकम जनरेट होगी। उसके बाद में एक ये आपको ट्री दिखाई दे रहा है 3 का, यहाँ पर आपको 3 ही राउंड दिखाई दे रहे हैं। तो ये है वर्किंग का, ये जब फील होगा जब आप वर्किंग करोगे तभी। तो टोटल स्लॉट की काउंटिंग करें हम, 12 स्लॉट हैं और जिसके अंदर 4 स्लॉट ये वर्किंग के हैं और जो 8 स्लॉट हैं नॉन वर्किंग के, उन 8 स्लॉटों के अंदर नॉन वर्किंग से भी इनकम आएगी। चलिए देखते हैं आपने क्या है, अपने स्लॉट बाई कर लिए, उसके बाद में आपने पहले बंदे को ज्वाइन नहीं करवाया। यहाँ पर हम मान लेते हैं जो पहला बंदा है ए बंदा है, अब ये ए ने आपके साथ में ज्वाइनिंग की है और आपने अपना पहला स्लॉट बाई किया इसने 5 डॉलर का, तो ये जो आपका ये जो राउंड खाली है ये बंदा आपका यहाँ पर आकर के लग जाएगा इस स्लॉट के अंदर। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ इसने बाई कर लिया 5 डॉलर का स्लॉट, तो ये इस बंदे से आपको इनकम नहीं आएगी, यहाँ पर मैं इसको नील कर देता हूँ। नेक्स्ट इसने क्या किया, इसी बंदे ने अपना 10 वाला भी स्लॉट बाई कर लिया क्योंकि इसके आपने 6 स्लॉट बाई करने। जब ये 10 वाला स्लॉट बाई करेगा तो ये इस राउंड को फिल करेगा आपके, यहाँ पर भी इसने ये 10 का बाई कर लिया, अभी यहाँ से भी इसको आपको इनकम नहीं आएगी, इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद में इसने क्या किया, अपना 20 वाला स्लॉट बाई कर लिया 20 डॉलर का, तो जो इसने अपना 20 डॉलर वाला जो स्लॉट बाई किया है इससे आपको इनकम आएगी। ये 20 का इसने बाई किया स्लॉट, इस बंदे से आपको इनकम आएगी 20 डॉलर की, कितनी इनकम आई यहां पर मैं नोट कर देता हूं।
ये आपको आ गई 20 डेई कॉइन। अगला अपने इसने स्लॉट बाय किया, इसने 40 का 40 वाला बाय किया, ये यहां पर आके लग गया, यहां से भी आपको इनकम नहीं आएगी। 40 का 20 का बाई हो गया, यहां से भी इनको इनकम नहीं आई। नेक्स्ट अभी क्या हुआ, इसने जो अपना अगला बाई किया 80 वाला, 80 वाला जो ये बाई करेगा वो इसके इस सर्कल को भरेगा, सेम इसी प्रकार से यहां पर भी इसको इनकम नहीं आएगी। 80 का इसका स्लॉट बाई हो गया, यहां भी इनकम नहीं आएगी। अभी लास्ट वाला स्लॉट बच गया 160 का। जब भी ये अपना 160 का जो आपका पहला बंदा ए बाई करेगा तो वो यहां पर आकर प्लेसमेंट होगा, इस सर्कल को भर देगा। और जो वर्किंग के अंदर जो इनकम आती है यहां पर, ये इस बंदे से इनकम आपको डायरेक्ट आती है। तो जो इसने ये 160 वाला बाई किया है तो इससे आपको 160 डॉलर आपके इनकम आएगी। फ्रेंड्स सेम इसी प्रक्रिया से अगर हम चलते हैं, जो हमारा अभी बी बंदा है वो बी जब हमारा आएगा तो वो भी इसी प्रकार से हमारे गोल सर्कल को भरेगा। ये है जो बी, अभी बी ने अपना 5 वाला स्लॉट बाई किया तो ये हमारे इस सर्कल को फिल कर देगा। उसने इसने 10 वाला बाई किया, 10 वाला इस सर्कल को फिल कर देगा। जो 20 वाला बाई किया वो इस सर्कल को भर देगा, जो 40 वाला बाई किया वो इसको भर देगा, और 80 वाला किया वो इसको फिल कर देगा, 160 वाला किया वो इसको फिल कर देगा। अभी यहां पर देखिए आप, इसने जो भी ये स्लॉट बाई किए हैं सेम इसी प्रकार से इसने बाई करे हैं, और जो आपको इनकम आएगी इस बंदे से भी आपको इतनी ही इनकम आएगी। अभी सेम देखिए, नॉन वर्किंग के अंदर क्या होता है, ये जो आपका राउंड है और ये राउंड है, इन दोनों राउंडों से आपको पेमेंट नहीं आती, ये जो पेमेंट होती है ये आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। ऊपर का मतलब आपके अपलाइन को जा सकती है, और उसके भी अगर स्पिल ओवर होकर जाती है तो और भी कहीं जा सकती है। तो इन दोनों बंदों की जो इनकम है आपके ऊपर स्पिल ओवर होकर चली गई, सेम 10 वाले के अंदर भी इसी प्रकार से ऊपर चली गई। उसके बाद में जो ये जो 20 वाला है ये है आपका वर्किंग का, तो इन जो दोनों से जो इनकम है ये डायरेक्ट आपको आएगी। यहाँ पर जो आपको इनकम 40 डॉलर की हो गई है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इनकम अभी नहीं हुई है। सेम इसी प्रकार से जो 40 वाला जो स्लॉट है इसकी भी इनकम ऊपर स्पिल ओवर होके चली जाएगी। उसके बाद में जो 80 वाला है 80 वाले का भी सेम इसी प्रकार से ऊपर जाएगी, और जो ये 160 वाला है इन दोनों से जो इनकम है ये डायरेक्ट आपको आएगी। फ्रेंड्स दो व्यक्ति हमारे प्लेसमेंट हो गए हैं और मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से। अभी सेम आपने तीसरे को ज्वाइनिंग करवाया, सी को ज्वाइनिंग करवाया, सी ने भी अपने सारे के सारे स्लॉट बाई किए इसी प्रकार से 160 तक। अभी यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारा सी है वो यहाँ पर आकर लगेगा, इस सर्कल को फिल करेगा 5 वाले को, 10 वाले को वो इसको भरेगा, और 20 वाले को वो इसको भरेगा, 40 वाले को वो यहाँ इसको भरेगा, 80 वाले को इसको भरेगा, और जो 160 वाला है वो इसको भरेगा। अभी यहां पर देखिए आपको इनकम किस प्रकार से आ रही है, 5 वाले के अंदर जो तीसरा बंदा आता है उससे इनकम आपको डायरेक्ट आती है, तो यहां पर जो सी से आपको आई 5 डॉलर की इनकम। 10 वाले में भी ये इस राउंड के अंदर आपको इनकम आती है, यहाँ पर भी आपको 10 डॉलर की इनकम आई।
20 वाले के अंदर यहाँ पर जो भी आईडीआई है, ये जो इनकम है अपलाइन को चली जाती है, ये आपका रिसाइकल हो जाता है, यहाँ से इनकम आपको नहीं आती है। उसके बाद में 40 वाले में इनकम आपको आती है यहाँ पर, उसके बाद में 80 वाले में भी आपको इनकम आती है। जो 160 वाला है ये भी आपका रिसाइकल के अंदर चला जाता है, यहाँ पर भी आपको इनकम नहीं मिलती है, यहाँ पर भी हम इसको क्रॉस कर देते हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार से अगर हम जो चौथे व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं, इसको चौथे व्यक्ति ने भी आपके जो भी सारे के सारे स्लॉट बाय किए, 6 के 6 स्लॉट, उससे जो आपको इनकम आएगी, एक बार आप ध्यान से देखिए, ये जो चौथा व्यक्ति आएगा ना, ये आपको सभी के सभी स्लॉट के अंदर इनकम देगा, ऑल के अंदर। ये यहां पर आके प्लेसमेंट हुआ, इस राउंड के अंदर ये यहां पर आके लग गया, यहां पर लग गया, और इस 20 वाले के अंदर ये दोबारा से खाली हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। इसको मैं यहां पर 0 बना देता हूं इस प्रकार से, इसके नीचे और इसके नीचे भी मैं यहां पर 0 बना देता हूं आपको समझाने के लिए। तो जो 20 वाला ये आपका ब्लैंक हो जाएगा, अभी ये ब्लैंक होके ये भर गया है, यहाँ पर आएगा। 40 वाले के अंदर वो बंदा यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ, वो यहाँ पर आ जाएगा। 80 वाले के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। 160 के अंदर वो यहाँ पर आ जाएगा। ये अभी फ्रेंड्स, इस बंदे ने जो 4 नंबर ने जो स्लॉट बाय किए थे, इसने 315 के स्लॉट बाय किए थे, $315 के। तो यहाँ पर जो तीसरे बंदे से जो आपको इनकम आएगी, ये टोटल $315 की यहाँ पर आपको इनकम आ जाएगी इससे। अभी सेम इसी प्रकार से हम चलते हैं, जो हमारा पांचवें व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर फिल करेगा इस राउंड को, 10 वाले में यहाँ पर फिल करेगा, और जो 20 वाले में यहाँ पर फिल करेगा, और जो 40 वाले में वो यहाँ पर फिल करेगा, और जो 80 वाले में वो यहाँ पर भरेगा, और जो 160 वाले में वो यहाँ पर फिल करेगा। सेम उसी प्रकार से जो हमारा 4 नंबर ने किया था, यहाँ पर भी इसने 5 ने पूरे के पूरे अपने 6 के 6 स्लॉट बाय किए हैं, और यहाँ से जो आपको इनकम आएगी सेम इतनी ही इनकम आएगी, पूरे 315 के 15 आपको यहां पर आ जाएंगे। फ्रेंड्स ये जो तीनों की जो इनकम है, 4 नंबर 5 नंबर 3 4 और 5 की, ये इनकम जो आपको डायरेक्ट आती है, 5 वाले स्लॉट के अंदर भी, 10 वाले स्लॉट के अंदर भी, और जो 40 वाले के अंदर भी, 80 वाले के अंदर भी। अभी आपका जो एक सिर्फ छठा व्यक्ति बच गया, जो आपका 6 नंबर है, 6 नंबर आपका डायरेक्ट है, अभी इसने भी आपके 6 के 6 स्लॉट बाय किए। अभी यहां पर क्या होगा देखिए, आप जो 6 नंबर व्यक्ति है वो आपके इस राउंड को फिल करेगा, इसको आके 5 नंबर को, 5 नंबर स्लॉट के 6 नंबर कॉलम के अंदर वो आकर के लगेगा, वो यहाँ पर आके लगेगा, और जो ये जो इनकम है ये आपकी ऊपर स्पिल ओवर होके चली जाएगी, और ये जो 5 वाला स्लॉट है ये दोबारा से खाली हो जाएगा। 5 वाले के अंदर वो यहाँ पर आके लगेगा, 6 वाले के अंदर यहाँ पर लगेगा, और इसके अंदर भी वो इसमें 3 वाले में आकर लगेगा, और यहाँ पर भी वो यहाँ पर आकर लगेगा, और यहाँ पर आकर लगेगा वो, और इसमें भी वो यहाँ पर आकर के लगेगा। तो जो 6 नंबर वाला व्यक्ति लगेगा, उस बंदे से आपको कोई भी इनकम जनरेट नहीं होगी, क्योंकि ये जो स्लॉट लगा है ये पूरे का पूरा रिसाइकल के अंदर जाएगा,
ये जो इनकम है आपकी ऊपर आपके ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपकी आईडी को ये रिसाइकल करता है इस प्रकार से, ऊपर वाले के पास में चली गई वो यहाँ पर भी ये रिसाइकल करता है। क्योंकि ध्यान से समझिए आप एक बार इसको, जो ये लास्ट वाला स्लॉट होता है इसकी इनकम भी आपके ऊपर ट्रांसफर होके जाती है, और ये जो पांच वाला स्लॉट है ये दोबारा से इनकम लेने के लिए खाली हो जाता है। दस वाला भी उसी प्रकार से खाली हो जाता है, बीस वाला भी खाली हो गया आपका, चालीस वाला भी, अस्सी वाला भी, 160 वाला भी। लेकिन जो आपको इनकम है ना, छह नंबर से आपको इनकम कोई भी जनरेट नहीं होगी। अभी देखिए ये जो मैंने आपको समझाया है ये सिर्फ आपके वर्किंग से समझाया है, यहाँ पर मैंने कोई भी आपके नॉन वर्किंग की इनकम काउंटर नहीं की है कि आपके अपलाइन से कोई स्पिल ओवर होके आया है या आपके क्रॉस लेग से या किसी से, सिर्फ आपने जो छह डायरेक्ट किए हैं उनके ऊपर ये मैंने आपकी इनकम कैलकुलेट की हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके स्पिल ओवर होके भी आएंगे, अगर सपोज करो आपके कोई भी बंदा स्पिल ओवर होके आया है, वो बंदा यहाँ पर लग गया है आपका छः नंबर ज्वाइन करवाने से पहले, अगर उसने इस सर्कल को फिल कर दिया है तो जब आप छः नंबर को ज्वाइनिंग कराओगे तो वो यहाँ पर आएगा। अभी देख लेते हैं टोटल हमारे को इनकम कितनी हुई है इससे, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। जो हमने ए को ज्वाइनिंग किया था उससे हमारे को इनकम हुई है 20 की और 40 की, ये होगी हमारी 180 डॉलर। जो हमने बी को ज्वाइनिंग करवाया था बी से भी हमारे को 180 होगा, 180 डॉलर। और जो हमने सी को ज्वाइनिंग करवाया है तीन नंबर से, तो इससे जो हमारे को इनकम होगी 5, 10, 40, 80, 120, 30, 135, 135 डॉलर की। डी को जो चार नंबर को ज्वाइनिंग कराया है इससे हमारे को इनकम हुई 315 की, 315 डॉलर की। और हमने जो पांच नंबर को ज्वाइनिंग कराया उससे भी हमारे को 315 डॉलर की इनकम हुई। छः नंबर जो एफ़ है इसको हमने ज्वाइनिंग करवाया इससे हमारे को कोई भी इनकम जनरेट नहीं हुई शून्य। टोटल हमारे को कितनी होगी ये देखिए फ्रेंड्स, 5, 10, 15, 15, 18, 16, 17, 17, 3, 20, 21, 22, 3, 2, 5, 5, 6, 11। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1125 डॉलर की इनकम यहाँ पर आपको टोटल होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे को टोटल इनकम हुई है ये आपको 1125 डॉलर की यहाँ पर आपको इनकम हुई है, अगर आपने अपने 6 बंदे डायरेक्ट किए हैं और छः ने पूरे 6 के 6 स्लॉट बाय किए हैं तो आपको इस प्रकार से ये इतनी इनकम होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एक बात का और ध्यान रखें, आपने अगर 160 का ये स्लॉट बाय किया है, अगर आपने इसके आगे वाला 320 वाला अगर स्लॉट बाय नहीं किया तो ये आपका दोबारा से रिसाइकल नहीं होगा, तो यहीं पर आपकी ये इनकम रुक जाएगी, दोबारा से ये खाली आपका नहीं होगा, दोबारा से इनकम इसमें नहीं आएगी। अगर इसके अंदर आपको दोबारा इनकम लेनी है तो आपका जो इसका आगे वाला स्लॉट है 320 वाला वो आपको बाई करके रखना है, बाकी ये पीछे वाले जितने भी स्लॉट हैं ये आपके बार बार खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। जिस स्लॉट के अंदर आप जा करके रुक जाओगे उससे आगे वाला स्लॉट बाई नहीं कर रहे हो तो उस स्लॉट के अंदर बार बार आपको इनकम नहीं आएगी, वन टाइम ही आएगी। तो फ्रेंड्स ये था 6 स्लॉट बाई करने के ऊपर आपको इनकम कितनी जनरेट होती है।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो डिस्कशन के अंदर मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी कुछ भी क्वेरी है आपकी वहाँ पर सोल्व हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।